दुलिया जान में धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा का त्यौहार। आज दुलिया जान की कई अंचलों में धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा का त्यौहार। लोगों ने उगते सूरज और डूबते सूरज का किया पूजन। 21 छठ मैया पर्व में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग ये पर्व उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को अर्घ दे के मनाते हैं। ये सबका कल्याण का कामना के लिए, सुख शांति समृद्धि बना रहे, इसके लिए हम लोग मनाते हैं। इस साल इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है जिसका लिए हम लोग मना रहे हैं। अगले साल कोरोना हुआ था जिसका वजह से नहीं मना सके। लोगों का इस बार कैसा साथ दिया है लोगों ने आपको? सब लोगों ने बहुत अच्छा तरीके से साथ दिया। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत धूमधाम से हम लोग मनाए हैं इस साल। भावे जी ये बताइए, छठ मैया के दिन में कैसे कैसे ये नियम किया जाता है? सॉरी वो तो हमको पता नहीं है। मतलब रविंद्र का वाइफ है मनन। बोलना चाहिए ना पहले। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। छठ पूजा बहुत धूमधाम का पर्व है हम लोग। अच्छा, छठ मैया का पर्व कैसे कैसे लोग मनाते हैं? सब लोग ही मनाते हैं। मतलब छठ पूजा आज से 10 साल आगे से हम बहुत कुछ हमको मिला छठ पूजा से, जो मानती किए थे सब हमको फल मिल रहा है, तो इसलिए हम बहुत मानती हूँ बहुत ज्यादा छठ पूजा। ये ऐसा छठ पूजा है, सब जाते मनाते हैं, बंगाली बिहारी मुस्लिम तक भी छठ पूजा मानते हैं। छठ बहुत महान पर्व है, ये जो भी मांगे उसे पूरा होता है। और छठ पूजा जो है सब जात के लोग करते हैं, एकदम सबका मनोता पूरा हुआ है। और छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। हमें क्यों छठ पूजा मनानी चाहिए? हमें छठ पूजा इसलिए मनाना चाहिए कि हम लोग हिंदू का पर्व भी है, और सिर्फ सूर्य भगवान को देखते हुए पूजा जो होता है, साक्षात जो पूजा हो रहा है सूर्य भगवान देखते हुए पूजा हो जाता है, डूबते हुए जिसका लड़का बच्चा नहीं होता है वो छठ पूजा के लिए मैंने वही व्रत मांगते हैं कि हमको मानने में बेसी अधिकतर मैंने लड़का बच्चा के लिए मैंने पूजा मांगना होता है छठ पूजा। Audio Jungle.